हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार और बहुत लंबे समय के बाद हम फिर से अपने काम को रिज्यूम कर दिया है और आज हम बात करने वाले हैं अब अगले महीने जो मोस्ट अवेटेड बजट है जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी जो पेश करने वाली हैं उसमें जो सैलरी क्लास की एक्सपेक्टेशन क्या है। हमने उस पर थोड़े से हमें कॉल आया, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आई तो हमें भी लगा कि हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए कि क्या एक्सपेक्टेशन है, मार्केट क्या सोच रहा है, जो कॉमन सैलरी क्लास के लोग हैं कोविड के बाद किस तरह से चीज़ें चेंज हुई है और उनकी एक्सपेक्टेशन में क्या क्या चेंजेज आए, जरा उस पर समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन को लोगों का यह मानना है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको कम से कम 1,00,000 से 1,25,000 रुपये होने चाहिए। उसके पीछे इनका लॉजिक ये देना है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन आने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट था, एक तो ट्रांसपोर्ट जो अलाउंस था उसके अलावा मेडिकल एक्सपेंसेज उसके साथ मर्ज कर दी गई, तो उसकी वजह से जो ये प्रॉब्लम आई, प्लस जो वर्क फ्रॉम होम में हुआ, लोगों का ये भी कहना है कि काफ़ी खर्च बढ़ गया, जैसे इंटरनेट की कॉस्ट हो गई, आपको कुर्सी टेबल हर चीज़ एक सिस्टमेटिक वे में लंबे समय तक काम करना पड़ा है। तो उसको लेके लोगों का ये मानना है, ये डिमांड है कि एक तरह से यहाँ पे काम हो सकता है जो कि आपको 50,000 से 1,00,000 या 1,25,000, जो कि मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान होगा कि गवर्नमेंट इस पर इस तरह की कोई चीज़ें कर पाए, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। ये एक एक्सपेक्टेशन है। दूसरी एक्सपेक्टेशन ये भी है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है अगर आप उसको नहीं बढ़ाते हैं तो मेडिकल और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस को रिस्टोर कर दिया जाए। यानी कि बात वही है कि या तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को हम बढ़ा दें या दूसरा मानना है कि मेडिकल एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं, क्योंकि कोविड के बाद मेडिकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया है जहाँ पे एक खर्च जो हर आदमी की जो एक अपनी खर्च है वो काफ़ी बढ़ गई है। खैर, इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या हो सकता है, तो एक टैक्स को लेके भी लोगों को ये मानना है कि जो कंपनीज हैं, जनरल जो भी कंपनी है उसमें जो अप्रॉक्सीमेटली 22% के रेट हैं सारी चीज़ें लगाएं तो 25% के आसपास का टैक्स रेट बन रहा है, और जो कि इंडिविजुअल में 30% अगर आप स्लैब की बात करें तो हायर स्लैब 30% में है। यानी कि उनका ये भी कहना है कि जो टैक्स रेट है उसमें बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन है, जहाँ कंपनीज पर टैक्स रेट ज़्यादा होना चाहिए पर्सनल पर वो बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी उन्हें ये लग रहा है कि एक यहाँ भी गुंजाइश है जहाँ पे कुछ हो सकता है। अब देखते हैं कि इस पर भी क्या होता है, ये भी एक पॉइंट था। इसके अलावा जो और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो हॉट डिस्कशन में चल रहा है, जो स्लैब है उसको भी चेंज कर दिया जाए, क्योंकि 5,00,000 तक अभी क्या है कि अगर आप 5,00,000 से कम इनकम है तो आपके एग्जेम्पशन है, ठीक है, 87E में आपको रिबेट मिल जाता है, लेकिन अगर आपकी इनकम 5,00,000 के ऊपर है इस केस में आप पे टैक्स का जो स्लैब वो 5,00,000 का नहीं मिलता है, क्योंकि आपको रिबेट क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ लोगों की ये भी डिमांड है कि जो स्लैब है उसको भी 5,00,000 फिक्स किया जाए। ये भी एक ये डिस्कशन काफ़ी सालों से चल रहा है और हो सकता है, मुझे ये पर्सनली लगता है कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे गवर्नमेंट कंसिडर कर सकती है कि जो स्लैब रेट है उसको बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा एक जो और फैक्टर है ATD में जो अभी डिडक्शन, मतलब आप जो क्लेम करते हैं जो टैक्स सेव करने के लिए, वो 50,000 का करते हैं, लेकिन कोविड आने के बाद ये देखा गया है कि जो खर्चा था, जो एक्सपेंडिचर था मेडिकल, उसमें काफ़ी इंक्रीज हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो लोगों का ये भी कहना है कि जो 50,000 का आज जो कैपिंग है उसको 75,000 यानी 25,000 के हर जगह जो कैपिंग है उसमें वहाँ भी बढ़ना चाहिए। तो एक तो कोविड की वजह से बहुत परेशानियां हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी ये कोशिश करेगी, प्रयास रहेगा गवर्नमेंट का कि किसी भी तरह से कुछ ऐसा किया जाए जहां कंजम्पशन बढ़े। और एक चीज़ और जो मुझे लगता है कि होम जो हाउसिंग सेक्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, वहाँ पर भी गवर्नमेंट बहुत मुझे मेरा पर्सनली मानना है कि वहाँ पर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉलिसी लाने की कोशिश करेगी कि वहाँ कंजम्पशन किसी भी तरह से बढ़े, क्योंकि अगर एक रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है कि अगर उसमें थोड़ी सी मूवमेंट आती है तो बहुत सारे फील्ड सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, वहाँ से एक आप कह सकते हैं कि पुश दिया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रियल एस्टेट को लेके क्या प्लानिंग कर रही है तो कहना मेरा बहुत मुश्किल है, लेकिन वहाँ मुझे लगता है कि ऐसा पिन पॉइंट है जिसको अगर टच किया जाए तो मल्टी सेक्टर आपको उसका चैन रिएक्शन दिखेगा। अगर कंस्ट्रक्शन में मूवमेंट आता है तो आपको एम्प्लॉयमेंट में मूवमेंट आएगी, स्टील छोटे छोटे जो उद्योग उस पर और भी बहुत तरह की चीज़ें कंज्यूम होती है उस सेक्टर में। तो एक वो ऐसा सेक्टर है जहाँ कुछ हो सकता है कि कुछ गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रैटेजिकली कुछ ले किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बजट हो
विन विन सिचुएशन हो और जो मिडिल क्लास लोग हैं, सैलरी क्लास लोग हों, उनको कहीं ना कहीं इस बजट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आफ्टर कोविड जो जॉब की जो प्रॉब्लम हुई है, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है सैलरी में, जो गिरावट आई, तो गवर्नमेंट को भी ये बात समझ में आ रही है कि किसी भी तरह से मार्केट में कंजम्पशन को बनाए रखना होगा, क्योंकि हमारी जो पूरी कंट्री है वो कंजम्पशन बेस्ड हमारी इकोनॉमी है, तो उस कंजम्पशन के लिए कहीं ना कहीं लिक्विडिटी की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट इस बार कहीं उस तरह से जरूर प्लान करेगी कि लिक्विडिटी बनाए रखे, साथ के साथ अपने टैक्स के बैलेंस को भी बनाए रखे और उसमें आगे बढ़ पाए। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। टैक्स फॉर वेल्थ अब OTT प्लेटफॉर्म पे भी है, अगर आपके घर में जियो लग चुका है तो जियो पे भी आप हमें देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट।